हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम जा रहे हैं वैक्सीनेशन करवाने। अभी अभी मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया है, तो आज हम जाएंगे वैक्सीनेशन करवाने। एज 18 प्लस की वैक्सीनेशन हो रही है हमारे पड़ोस में। और तुम्हें बता दूं कि मैंने कोई स्लॉट बुक नहीं किया, बस अभी फ्रेंड का फ़ोन आया कि भाई ओपन लग रही है वैक्सीन, तो आके लगवा ले। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं, ये देखो सॉक्स पहन रहा हूँ, शूज़ पहन रहा हूँ, अभी ना कहूँ, अभी जा रहे हैं, दिखाएंगे आपको क्या होता है सीन और कैसे लगती है वैक्सीन और उसके बाद साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। सबसे जरूरी बात ये है कि भगवान कोई साइड इफेक्ट ना हो। मैंने सुना तो है बहुत कुछ, अब क्या पता ये सारी चीज कॉन्स्पिरेसी है क्या है, वो तो लगवाने के बाद ही पता लगेगा। चलो मिलते हैं गाइस वैक्सीनेशन सेंटर में। मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप क्या आपका फोटो खींच ले। ये है वो वैक्सीनेशन सेंटर जहाँ पे हमने वैक्सीनेशन लगवानी है, और बस विश टू गॉड की कोई दिक्कत ना आए। मैंने सुना है जैसा वैसा कुछ भी ना हो, सब कुछ ठीक हो, आराम से वैक्सीनेशन लग जाए। चाय सेवा कुछ बताना चाहेंगे आप, आपको कैसा लग रहा है वैक्सीनेशन लगवाने से पहले? अच्छा फील हो रहा है, बात लेकर कैसा फील हो रहा है? चुटी पड़ी है अभी तो माहौल बाद में गएंगे, ये तो बाद में गएंगे, ये तो अभी तो माहौल देख के तो लग रहा है कि सारा कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन उम्मीद तो नहीं है, डालूंगा या नहीं डालूंगा, लेकिन बना तो लिया। फोटो वीडियो खींचने के लिए कोई बंदा नहीं मिल रहा था। मुंह बदली साइड क्या फोटो वीडियो खींचते हैं, देखियो कैसे लगा रही हो आंटी। अब वो चाय पी रहे हैं, चाय ब्रेक हो गया उनका। आधार कार्ड अभी जमा करवाती है, यहाँ का माहौल ऐसा है कि तुम कोरोना की वैक्सीन लगवाने आए हो लेकिन तुम कोरोना साथ लेके जरूर जाओगे, भीड़ इतनी ज्यादा हो रही है। और स्पष्ट हिंदी में बोलूँ तो अभी मेरी गांठ फटी पड़ी है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को सुने कि वैक्सीन लगवाने के बाद ऐसा हो गया वैसा हो गया। कल भी एक दोस्त का फोन आया कहता है हमारी गली में तो जिसने वैक्सीन लगवाई है सारे मर गए। और मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन आधार कार्ड दे दिया, डर लग रहा है बहुत ज्यादा। बस और तो क्या कर सकते हैं, बैठेंगे वेट करेंगे बस। कोविशील्ड लग रही है ना इधर, यहाँ पे कोविशील्ड लग रही है, और मैंने सुना है कि कोविशील्ड ज्यादा खतरनाक होती है। मतलब खतरनाक तो क्या होती है, डोजेस फॉर्म ज्यादा होती है। वैक्सीन लगवाने के बाद पैरासीटामोल देते हैं 350 mg, जो कि ये दे रहे हैं। अच्छा हाँ ठीक है, कोई चलो आ जाओ, ठीक है लगवा ले, बेस्ट ऑफ लक लगवा लो, बेस्ट ऑफ लक यहाँ से कर लूँगा। कैसा लगा? अभी तो कुछ नहीं हुआ, बाद में होगा उनके अभी लगा। अरे वो जो मशीन पड़ी है वो बताऊँ किस चीज की? अबे नहीं, वो सीरिंज तोड़ने की, फिर सीरिंज कह रहा हूँ, नीडल तोड़ने की मशीन है। हाँ आ जा, घर जाएगा भैया, बैठेगा, मैं तो बैठूंगा अभी थोड़ी देर, क्या करेगा
कंटेंट में उनको लग ही नहीं गया अभी। ले ले जा फोन, आगे लेके जावे तो दर्द हो रहा है, फुल दर्द हो रहा है। मैंने तो उठा दिया, हटाइए कर। निशान पता ही नहीं लग रहे कौन सा निशान है, मोरे इतने हो रहे, कुछ फील हुआ? यही तो बात है, घर जाके होएगा। सुनो, अगर मतलब पेन वगैरह हो ना किसी को, तुम दोनों में से किसी को पेन हो तो आइसिंग जरूर कर लेना। हाँ, आइसिंग जरूरी है। चले क्या? चलो बैठना है हमने तो, फिर कह रहे हैं एक घंटा बैठ, आधा घंटा हो रहा है यहाँ बैठो। हम तो बैठेंगे फिर, आप बैठो या ना बैठो, मतलब ये तो जा रहे हैं, मैं तो बैठूंगा आपके साथ। चलो ठीक है, ठीक है उदय, बाय बाय, ठीक है। कैसा फील हो रहा है? अभी तो दबा रखी है आपने तो जमा, छोड़ दो बस, होगी दर्द नहीं हो रहा तो छोड़ दो। देख रहे हो इस मान प्राणी को, गौर से देखो, सेलिब्रेशन में ये लिमका पी रहा है। हाँ भैया, एक घंटा हो गया वैक्सीन लगवाए, अभी घर आए हैं। उन्होंने कहा था थोड़ी देर मतलब ऑब्जर्वेशन में रहना, लेकिन वहाँ कोई सीट नहीं पता चली कहाँ बैठना था कहाँ नहीं, इसलिए उदय के घर बैठ के, उदय का घर वहीं साथ में ही है, उदय के घर बैठ के वहाँ बैठ के थोड़ी लिमका पी ली। अब हम पी रहे हैं ये रूफदा और इसमें नींबू भी है। मुझे नहीं पता क्या चीज़ है, लेकिन लोगों ने वहम डाला है क्या है मुझे नहीं पता, कि असर तो हुआ था। देख भाई, असर तो हुआ था, और वैक्सीन लगी जब बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। यूं इन्होंने ऐसे करके लगाया, पीछे निकाल लिया, लग गई भाई वैक्सीन तुम्हारी। और उसके बाद हमने थोड़ा खाया पिया, जैसे उदय के घर पे लिमका पी, तब मतलब लिमका का कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा था। थोड़ी सी एसिडिटी की प्रॉब्लम है मुझे, तो वो एसिड थोड़ा यहाँ गले तक आ रहा था, ये मैं मानता हूँ। और थोड़ा सा दर्द बाद में हुआ था, अब आगे कहते हैं लोग कि बाद में दर्द होगा, अब क्या पता। फिर मैं हमने लिमका पी, पानी भी पिया तो पानी का टेस्ट भी थोड़ा चेंज लग रहा था। अब तुम कहोगे पानी का कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन मैं कह रहा हूँ होता है पानी का टेस्ट, तो उसका टेस्ट भी थोड़ा चेंज लग रहा था। स्मेल वगैरह कुछ नहीं आ रही वैक्सीन लगवाने के बाद भी, वैक्सीन लगवाने के 10 मिनट बाद, ये सारी चीज़ें तब की हैं। आधे घंटे उदय के घर पे बैठे, फिर अब आए हैं, उसके बाद ये नींबू पानी बनाया है, रूफदा कह लो कुछ मर्जी कह लो, अब ये पीते हैं। कहते हैं कि नींबू पानी पीना जरूरी है, तो मैंने बनाया, अब मैं पी रहा हूँ। और दर्द अभी भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा, मतलब हाथ हिलाते हैं तो मतलब ऐसे दर्द होता है, मैंने हाथ ही ऐसे पीछे किया तो मेरे हाथ में यहाँ दर्द हो रहा है। वैक्सीनेशन लगवाइए तो दूसरी डोज लगवाएंगे, लेकिन उससे पहले इसके असर देखेंगे। ये तो कन्फर्म है इसका इफेक्ट होता है, अब ये तो पता लग रहा है धीरे धीरे क्या इफेक्ट होगा क्या नहीं। तो मैं तुम्हें ये एडवाइस करूँगा, तुम भी यार लगवा लो वैक्सीनेशन, और फोटो जरूर खींचना, क्योंकि मैंने तो खींची नहीं फोटो, तुमने देखा ही होगा मेरी फोटो किसी ने नहीं खींची, क्योंकि मम्मी को अलग जगह लगी वैक्सीन, मुझे अलग जगह लगी, इसीलिए मेरी फोटो खींचने के लिए कोई था नहीं, और मेरे बाद उदय का नंबर था इसलिए वो रजिस्ट्रेशन करवा रहा था। और थैंक्स टू उदय, उदय बेबी थैंक यू तेरे को, तूने बता दिया, बिना उसके हमें वैक्सीनेशन लगी, कोई स्लॉट नहीं बुक कराना पड़ा, बस रजिस्ट वहाँ गया, आधार कार्ड दिया, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया। वैसे तुम्हें एक बात पता है, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कि अगर तुमने वैक्सीनेशन करवाई है तो उसके बाद भी तुम्हें कोरोना होने के चांसेस हैं। हाँ, लेकिन डेथ नहीं होगी, कोरोना जरूर हो सकता है। सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास, तुम भी लगवाओ वैक्सीन। मैंने लगवाई है कोविशील्ड, इधर कोविशील्ड ही लग रही थी, और कोवैक्सीन का कह रहे हैं कि वो थोड़ी लो डोज की है, कोविशील्ड थोड़ी हाई डोज की है, इफेक्ट करती है। यार सुनी सुनाई बातें हैं, क्या पता क्या नहीं, नहीं पता मुझे कुछ, सुनी सुनाई बातें हैं सारी। चलो करता हूँ एंजॉय, मिलते हैं फिर। मेरे होठ भी सूख रहे थे थोड़े, इसलिए मैं नींबू पानी पी रहा हूँ। वैक्सीन लगवाने के बाद मेरे होठ भी सूखने लग गए थे। बाय।